अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास है यहाँ पे स्किल्स, कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। आइदर आप वेब डेवलपर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, सोशल मीडिया मार्केटर हैं, कॉन्टेंट राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपके पास एक कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जो कि आप डिजिटली सेल कर सको, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन रिक्वायरमेंट यही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप वर्ल्ड वाइड डिफरेंट लोगों को अप्रोच कर सकें और उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकें। तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली बात है, जो भी टास्क या जो भी स्किल्स आपकी हैं तो वो आप लैपटॉप पे ही परफॉर्म करोगे। अगर लैपटॉप पे परफॉर्म करने वाले काम नहीं है, आप एक स्केच आर्टिस्ट हैं, तब भी आपको कम्युनिकेशन करने के लिए अपने क्लाइंट से लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात इट्सेल्फ कम्युनिकेशन, कि आपको बेसिक सी कम्युनिकेशन आनी चाहिए। इंग्लिश आपको बेसिक आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप लोकल मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ब्रॉड लेवल, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड को टारगेट करना चाह रहे हैं यूएसए यूके की मार्केट को, आप पाकिस्तान की मार्केट, इंडिया की मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपल बेसिकली उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर बात करके जो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोगों के साथ काम कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स थी। और इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट कि आप जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनका प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, कि आप कौन सी चीज़ कितने पैसों के अंदर दोगे, राइट। तो वो वेरी करती है क्लाइंट टू क्लाइंट। आपका क्लाइंट अगर अच्छा हाई पेइंग क्लाइंट है तो वो उसी काम के आपको $3,000 देगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका क्लाइंट हाई पेइंग नहीं है और किसी लो फर्म से है तो वो आपको उसी टास्क के $300 भी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फुली राइट है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो $300 को कि रिजेक्ट करते हो। टोटली डिपेंड अपॉन यू, इट्स टोटली योर चॉइस, राइट। तो बेसिकली हमने देखा कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होना लाजमी है। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर कहते हैं कि आपको कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। हो सकता है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बेसिकली 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आपके लिए काम कर जाए और बहुत थोड़े से पैसे आपके लिए कमाए, बट लॉन्ग रन के अंदर आपका अपना करियर अगर आप सेट करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, तो आप विदाउट एनी स्किल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मेक श्योर आपको स्किल आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले ये। अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किल क्या है या कौन सी स्किल आपको सीखनी चाहिए और आपको बिल्कुल भी आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो डोंट वरी, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए और किस तरह से उसका कंप्लीट रोड मैप है, किन किन स्टेप्स को देखते हुए, किन किन स्टेप्स पर चल के आप वो स्पेसिफिक स्किल सीख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।